हेलो, आज मैं आपको बताने वाला हूं हमारे पुनर्वसन केंद्र के बारे में। हमारा जो अकोला में हॉस्पिटल है, केलकर हॉस्पिटल, तो हम एक नया हॉस्पिटल जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। काफी सारा काफी बड़ा बिल्डिंग है और उसमें हम तीन तरह के बीमारी होने वाले लोगों को या बीमारियों को हम रखने वाले हैं। उसमें एक है कि जिसमें डिमेंशिया मतलब बुढ़ापे का स्मृति भ्रंश जिनको है, मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है बुढ़ापे में, एक तो उनको स्मृति भ्रंश हुआ है या उनको मानसिक बीमारी हुई है, तो वो लोगों की केयर। दूसरा है कि जिनको मानसिक बीमारी हुई है मगर उनको घर में केयर लेने वाला कोई नहीं या घर में रख के उसका ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, तो वो मानसिक बीमारी। और तीसरा है कि व्यसन शराब का या गर्द या और गांजा का व्यसन या कोई भी बड़ा और व्यसन होगा कि वो व्यसन जो पेशेंट है वो क्या होता है कि वो उसके वातावरण में जब रहता है तो व्यसन करते जाता है, तो उसको वातावरण से निकाल के हम उसको हमारे पुनर्वसन केंद्र में, रिहैबिलिटेशन सेंटर में, रिहैब सेंटर में भर्ती करेंगे ताकि वातावरण से वो दूर हो जाए और उसको फिर वहां उसका इलाज करेंगे। मानसिक बीमारी जो लोगों को हुई है उनका होता क्या है कि जिनको स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी हुई है, मतलब ज्यादा प्रमाण में मात्रा में बीमारी है और वो काफी पुरानी बीमारी हो चुकी है, तो उसका इलाज दवाई से तो होता ही है और दवाई के साथ साथ उसका पुनर्वसन करना भी जरूरी है। मतलब वो जब घर में जाता है वापस तो वो वही काम नहीं कर सकता जो पहले करता था, तो उसको नए स्किल्स सिखाना, नए कौशल्य सिखाना, उसका साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग करना, साइकोथेरेपी देना, घर वालों का काउंसिलिंग साइकोथेरेपी करना और घर में उसको वापस से एक्सेप्टेंस स्वीकार कैसे करना वो हम सिखाएंगे, उसका इलाज करेंगे और उसको घर में भेजेंगे, नंबर एक। नंबर दो, बुढ़ापे का जो स्मृति भ्रंश है उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि उनको बूढ़े लोगों को घर में रखना, जो स्पेशली उनका स्मृति भ्रंश हो चुका है मतलब याद नहीं रहता है, उनको घर में रखना और घर में रख के इलाज करना फैमिली के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। आजकल तो छोटे छोटे घर रहते हैं, दो कमरे तीन कमरे हैं, छोटे बच्चे हैं और बूढ़े लोग भी वहां रहते हैं, तो फिर वहां प्रॉब्लम हो जाता है। वृद्धाश्रम में वो लोगों को लेते नहीं, ओल्ड एज होम्स जो है उनको वहां लेते नहीं है क्योंकि वहां बीमार है करके वो लेते नहीं उनको, मतलब अच्छा रहा तो उनको वहां लेते हैं। हमने वो वृद्धाश्रम है मगर मानसिक रोगियों के लिए हम वृद्धाश्रम चालू कर रहे हैं, और मानसिक रोगियों के लिए मतलब जिनका स्मृति भ्रंश है, जिनको डिमेंशिया हो चुका है या जिनको मानसिक बीमारी, उनके लिए उनका भी हम केयर लेंगे और उनकी सेपरेट व्यवस्था करेंगे, उनको केयर गिवर्स अच्छे देंगे ताकि उनका इलाज अच्छा होगा। और तीसरा जो है वो है अल्कोहल का इलाज, मतलब शराब का, कि जिसमें शराब 10 साल से 15 साल से 20 साल से पी रहा है, सब तरह का इलाज करने के बावजूद भी उसकी शराब छुट्टी नहीं है, उसकी इच्छा तो है मगर जब जब वो शराब बंद कर देता है पीना तो उसको कान में आवाज आना, फिर डेल्यूजन्स की कोई मारने आ रहा है ऐसा डर बैठना या वायलेंट हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, नींद नहीं आना, पसीना आना, ऐसे काफी सारी बीमारियां होती है और वो टालने के लिए फिर वो शराब ले लेता है। तो उसके लिए हमारे पास में दवाइयां हैं कि जो दवाइयों से हम उसको सलाइन देंगे, उसका इंटेक देखेंगे, खाना पीना बराबर करेंगे, उसको नींद की दवाई देंगे, उसको सुलाएंगे अच्छा, और जब उसका वो जो शराब अंदर गई है उसका असर धीरे धीरे जब कम हो जाएगा तब उसको नई दवाई देंगे, है ना, डायसल्फिराम नाम की, तो जिससे कि वो शराब पीने की एक तो इच्छा होगी नहीं और इच्छा होगी तो उसको शराब पीने के बाद में उल्टियां होंगी, फिर वही शराबी जो 10-15-20 साल से अपना ट्रस्ट खो चुका है, जिसके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है, वो समाज में जाता है तो लोग उसके ऊपर भरोसा करते नहीं है, समाज के लोग क्या घर के लोग भी उसके ऊपर भरोसा करते नहीं है, वो वही काम नहीं कर सकता जो काम वो पहले करता था, तो उनका पुनर्वसन करना, उनको नया काम देना, उनको नया काम सिखाना पहले ये जरूरी है। तो हमारे पुनर्वसन केंद्र में ये काम होगा, जहां जहां आपको तकलीफ होंगी, जहां बीमारी मतलब जहां आपको तकलीफ है ये इस तरह के पेशेंट रखने की, तो जरूर हमसे आप कांटेक्ट कीजिएगा, जो माध्यम से मतलब जैसा फोन से आप करो, मेरा फोन नंबर है, हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ये हमारा अकोला शहर जो है ये नागपुर के पास में आता है, मतलब मुंबई नागपुर ये जो हाईवे है इसके बीच या 2/3 1/3 मतलब ऐसे डिस्टेंस में आता है, नागपुर से 250 किलोमीटर है और यहाँ मतलब आके इलाज कर सकते हैं। हमारा पुणे में भी एक सेंटर है जहाँ हम ये ऐसे लोगों का इलाज करते हैं, हमारा थाना में सेंटर है और हमारा नागपुर में भी सेंटर है।
तो सबसे बड़ा सेंटर अकोला का है, यहाँ वो ये पेशेंट को हम मतलब ट्रीट करते हैं, यहाँ ला सकते हैं, उनका इलाज हम करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई अपना पेशेंट ठीक हो चुका है, आप घर पे ले जाओ और आप घर पे ले जा सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए हम मेरे यूट्यूब चैनल्स मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसमें काफी सारे वीडियोज है वो देखिएगा, मेरा फेसबुक पेज है वो भी आप लाइक करो शेयर करो ताकि आपको काफी सारी जानकारी हमारे बारे में मिलेंगी। हमारा जो वेबसाइट है www.kelkarhospital.in उसके ऊपर भी हमारे बारे में जानकारी मिलेगी। इस तरह के पेशेंट आपको मिलते हैं तो आप जरूर उनको भेजिएगा, उनका केयर लेने की जिम्मेवारी हमारी है ना। तो मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ये हमारा घोष वाक्य है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है और हम करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।